हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं गीता कुमारी से, जो कि इंडिया मार्ट से काफी अच्छा पैसा अर्न करती हैं और ये उनका जॉब है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, लिटिल बिट अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर फॉर वेलकमिंग मी। आपने मुझे अपने यूट्यूब चैनल में इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, मेरा नाम गीता कुमारी है। जी मैं यूपी बिल्कुल। से बिलोंग करती हूँ। करंटली मुझे 3 मंथ्स हुए हैं इंडिया मार्ट में वर्क करते हुए, एंड जी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ जी इस बिल्कुल वीडियो के थ्रू। सो प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच जी जी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए गीता जी, कि आप जो ये स्टार्ट किए हैं इंडिया मार्ट, ये कब स्टार्ट किए हैं और आपको ये कैसे पता चला कि इंडिया मार्ट भी रियल में पैसे अर्न करती है? क्योंकि ये मोस्टली जो है फीमेल्स के लिए होती है और गर्ल्स के लिए होती है। तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ है जो कि लिटिल बिल कंफ्यूज रहती है। वर्क फ्रॉम होम जॉब बहुत ज्यादा डिमांडेबल जॉब है। आज की मैं बात बता रहा हूँ, 2024 की बात मैं बता रहा हूँ। तो इसको आप कैसे बताना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये थोड़ा सा बताइए हमारे ऑडियंस को। सो गाइस, मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में सितंबर 2023 में पता चला जी एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू। जी जी बिल्कुल। एक चैनल था यूथफुल सिंह राणा सर का, वहां अच्छा से अच्छा मैंने अप्लाई किया खुद जी से। वहां पर पूरी वीडियो को वॉच करने के बाद मैंने अपनी तरफ से अब पूरी एफर्ट्स करके पूरा फॉर्म फिल किया। जी जी इस फॉर्म का लिंक आप सबको भी मिल जाएगा सर की वीडियो में। जी जी देन उसके बाद मेरे पास मेल आया, जी मेल आया ट्रेनिंग का। सारे असेसमेंट्स कंप्लीट करने के बाद विद इन अ वीक मेरी जॉब यहाँ पर लग गई। अच्छा। जैसे आपकी जॉब लगी थी तो यहाँ पे क्या क्या काम होता है? जैसे अगर मैं काम की बात करूँ तो क्या प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे फिल करने पड़ता है और कितना टाइम लगता है, एफर्ट कितना लगता है? मेनली आप इस काम को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप सबकी चॉइस है। जी पार्ट टाइम में आपको मिनिमम ये जॉब मॉर्निंग स्टार्ट होती है 9 AM और 7 PM तक, इवनिंग तक आप कर सकते हैं। अच्छा। पार्ट टाइम में अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा गवर्नमेंट करेंगे, और फुल टाइम में आप ज्यादा कर सकते हैं। बट इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा आपको पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि ये एक कॉलिंग प्रोसेस है। कॉलिंग प्रोसेस में आउटबाउंड कॉलिंग होती है, तो आपको खुद से सैलर्स को कॉल करना होगा, तो पेशेंस की तो बहुत जरूरत है। जी जी और ज्यादा से आपको मोर एंड मोर अर्निंग करनी है गाइस, तो आपको पेशेंस रखना होगा। जी जी साथ ही साथ आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी बात कम्युनिकेशन मीन्स करने का क्या? तरीका, चैट का ये प्रोसेस है ना, वॉइस तो करना पड़ता नहीं होगी, वॉइस भी करना पड़ जाता है इसमें? अब सर इट्स अ कंप्लीट कॉलिंग प्रोसेस। अच्छा, इट्स कॉलिंग कंप्लीट प्रोसेस में कॉलिंग प्रोसेस। कम्प्लीटली अच्छा वॉइस अच्छा अच्छा प्रोसेस। अच्छा 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 यस सर। तो कितना आउटबाउंड प्रोसेस रहता है या इनबाउंड रहता है? आउटबाउंड आउटबाउंड रहेगा, मतलब आपको डाटा दिए दिया जाएगा, वो डाटा को कॉल करना होता है ना, किसी के सेलर को कॉल करना पड़ता है, किसको कॉल करना पड़ता है? आपकी आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपको लॉगिन के सारा पासवर्ड आईडी सब दे दिया जाएगा। जी जी उस जी प्लेटफॉर्म में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास लीड्स आती रहेंगी। अच्छा 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 लीड्स आते रहेंगे। अच्छा 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 तो ये जो मान लीजिए जैसे जो वर्क रहता है, अगर उन्होंने कंप्लीट कर लिया प्रोजेक्ट, कंप्लीट कर लिया, तो जो पेमेंट पे स्किल होता है वो कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये वीकली पेमेंट होता है, मंथली होता है या हाफ मंथली होता है? वेल गाइज, ये बहुत अच्छी न्यूज होगी आप सबके लिए। यहाँ पर वीकली पेमेंट मिलती है, जी जी टाइम बिल्कुल, पर पेमेंट सबको मिल जाती है, टाइम पे पेमेंट मिल वीकली जाती है। पेमेंट। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे मैं पर्सनली आपकी अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे जैसे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज अ यू नो जस्ट एम्प्लॉयज ऑफ इंडिया मार्ट? आपने बताया कि मैं 3 महीने से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ऐसे लाखों गर्ल्स हैं, करोड़ों गर्ल्स हैं, करोड़ों हाउस वाइफ हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि एज अ पार्ट टाइम करना सही है, एज अ फुल टाइम करना सही है, किनको करना चाहिए फिर किनको नहीं करना चाहिए? आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? गाइज, ये एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है, मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में कभी भी गाइज फिक्स सैलरी नहीं होती। जी आप जी यहाँ पर मंथली 35,000 तक अर्न कर सकते कर हैं, सकते नॉट हैं। नॉट इट वाज फिक्स, ये अच्छा आपके अच्छा ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको पार्ट टाइम लेके चले। आप अपने फुल टाइम के साथ साथ इसको एक अलग से पार्ट टाइम की तरह इसको मानकर चले। अच्छा अच्छा साथ अच्छा ही वो हाउस वाइफ यहाँ पर आए जो कुछ पार्ट टाइम वर्क करना चाह रही हैं, उनके लिए हाउस वाइफ
के लिए जो स्कूल गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. अच्छा अच्छा बिल्कुल. और गाइस दूसरी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें. तो सबसे पहली चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एज अ कैंडिडेट में, आप इसको बताइए. लाइक एज, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट के कम्युनिकेशन स्किल्स, कैंडिडेट का लैंग्वेज से लेकर कैंडिडेट का टाइपिंग स्किल्स, कैंडिडेट के पास लैपटॉप फोन, ये थोड़ा सा डिक्लेयर कर दीजिए हमारे ऑडियंस को. एज मिनिमम 18 प्लस होनी चाहिए. जी जी जी. एंड आपके क्वालिफिकेशंस 12th पास होना चाहिए. जी बिल्कुल. कम्युनिकेशन स्किल्स में तो होना ही चाहिए बेस्ट. एक कॉलेज प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लुएंस, आपकी लैंग्वेज ऐसा हो, ऐसा कम्युनिकेशन वे हो कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी ही चाहिए इफेक्टिव. बाद में लैंग्वेज हिंदी तो मैंडेटरी है ही, बाकी अगर आप और भी लैंग्वेजेस जानते हैं तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू. ये चीज हो गया. आप जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे तो पूरा पैन इंडिया के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई तो ये लोकेशन वाइज नहीं कि कोलकाता वाले अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली वाले अप्लाई नहीं कर सकते, दिल्ली वाले अप्लाई कर सकते हैं, मुंबई वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पर पैन इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसी लैंग्वेज के लिए तो आपको मिलती है. बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको अलग लैंग्वेज की भी मिल जाती है, तो आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. डोंट बी सो वरीड अबाउट इट. आप परेशान मत होइए, आप उसको रिजेक्ट करके उस लीड को हटा भी सकते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. और जैसे आपने बताया था, जैसे आपसे बात हुई थी कि जैसे आपके क्या कंपनी की, जैसे मान लीजिए किसी बंदे को आप जैसे ऑलरेडी एम्प्लॉयज बन चुके हैं कंपनीज में, और कुछ दिन भी होने के बाद जैसे अगर आप किसी बंदे को रेफरेंस करते हैं और उसका सिलेक्शन हो जाता है इंडिया मार्ट में, तो कुछ रेफरेंस अमाउंट भी कंपनी आपको पे करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या यू आर राइट सर, आपने बिल्कुल सही सुना है, रेफरल अमाउंट भी चल रहा है. जी, अगर हम मैं आपको अपनी आईडी से रेफर करूं और आप मेरी आईडी से ज्वाइन हो जाएं तो इसका रेफरल बोनस भी मुझे मिलेगा. बिल्कुल. तो ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे आपसे गीता जी कि आप जो है अपना रेफरेंस आईडी जो है वो आप मेंशन कर दीजिएगा. इससे क्या प्रॉफिट होगा कि जो हमारे ऑडियंस रहेंगे उनका अगर सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा और आपके लिए भी सही रहेगा, आप भी एक अच्छे काम कर रहे हैं. बिल्कुल जी. ओके, माय रेफरेंस आईडी इज, नहीं वो मैं मेंशन कर दूंगा, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वैसे कोई बात नहीं है. दूसरी सवाल यहाँ पे ये मैं आपसे कहना चाहूंगा गीता जी, जैसे मान लीजिए कि जैसे इंडिया मार्ट में आपने जॉब किया, ठीक है, तो इसके अलावा भी आप एज अ पार्ट टाइम करती थी या फिर एज अ फुल टाइम करती थी ये जॉब? स्टार्टिंग में मैंने फुल टाइम इसको लिया समझने के लिए, क्योंकि हम ज्यादा टाइम देंगे तो जल्दी समझ पाएंगे. जी हाँ, बिल्कुल, ज्यादा टाइम देंगे तो जल्दी समझ पाएंगे, सही बात है. लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये मेरे पार्ट टाइम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. पार्ट टाइम के लिए अच्छा ऑप्शन है. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने उसको पार्ट टाइम लिया, क्योंकि यहाँ पर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल आप सब जानते हैं कि एक फ्रीलांसर कभी भी फिक्स सैलरी अर्न नहीं करता, नहीं करता, वो काम करता है उतना ही अर्न कर सकता है. तो पार्ट टाइम में ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस. जी बिल्कुल बिल्कुल. दूसरी क्वेश्चन यहाँ पे ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज लगभग, मतलब आपकी आवाज को लगभग 9000 पीपल सुन रहे हैं, तो लगभग लगभग अप्रोक्स में, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मोस्टली क्योंकि आपने बताया कि ओनली फॉर फीमेल्स के लिए हायरिंग कर रही है इंडिया मार्ट, जो आपने लिंक दिया था वहां पे लिखा हुआ था ओनली वी आर हायर फॉर द गर्ल्स और वुमेन, राइट? तो ये आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी आवाजों को सुन रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे वर्क फ्रॉम होम के लिए इंडिया मार्ट के लिए? उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जब भी आप अप्लाई करें तो एक पेशेंस के साथ काम करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा एनहांस करें, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें. जी बिल्कुल. मेनली आप यहाँ बस पेशेंस रखें, क्योंकि ये एक आउटबाउंड कॉलिंग प्रोसेस है, तो बस आप पेशेंस ही मेन चीज है जो आपको रखनी है अपने अंदर. एक दिन में फिर भी कितना कॉल करना पड़ता होगा गीता जी? मिनिमम अटेम्प्ट यहाँ पर ओनली 120 आपको करने होते हैं, इससे ज्यादा आपको करने की परमिशन नहीं होती. 120 मैक्सिमम बताना आपने. या मैक्सिमम एंड मिनिमम 100. मिनिमम 100. अच्छा अच्छा अच्छा. और ये कितना एसटी रहता है, मतलब कि बात करने का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने समय तक रहता है? ड्यूरेशन आप कितना भी चाहे कर सकते हैं, 30 मिनट्स, 40-50. अच्छा अच्छा. 60 करेंगे एक दिन में तो ज्यादा अच्छा रहेगा. 60 राइट? या 60 मींस 1 आवर. हाँ हाँ, 1 आवर. गाइस मैं आपको बता दूं कि मेन यहाँ पर कैसा काम होता है, आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करता है ऑनलाइन तो उसे एक प्रोफाइल दिखती है, वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम वो ढूंढता है, उसे प्राइस दिखता है. बस वही काम हम लोगों का होता है, हमें एक सेलर का पूरा बिजनेस सेटअप करना होता है. जी.
अच्छा, पूरा सेटअप करना पड़ता है। अच्छा, उसके प्रोडक्ट की फोटो, उसके प्रोडक्ट के प्राइस वगैरह हमें मेंशन करने होते हैं, ये हमारा मेन काम होता है। तो लैपटॉप तो मैंडेटरी है गीता जी इसमें? लैपटॉप गाइस मैंडेटरी है ऑब्वियसली, बट इसमें कोई विंडोज का इशू नहीं है, आपके पास 7 है, कुछ भी A10 है तो वो भी चल जाएगा। और i3 i5 रहा तो और अच्छा है। नॉट एन इशू एट ऑल, लैपटॉप को इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई भी विंडो हो चल जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मतलब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रेस करना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को अंड कर देना चाहूंगा। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जी बिल्कुल, क्योंकि वीडियो लेंदी बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं, जो कि मेन चीज है जो कि यहाँ पे हमारे ऑडियंस को टारगेट करना है कि जो कि वर्क फ्रॉम होम के लिए जो कि जो कि फीमेल्स है, गर्ल्स है, वो जॉब सर्च कर रही है, तो बिल्कुल एज अ पार्ट टाइम यहाँ पे अर्न कर सकती है। गीता जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कैलिबिलिटी, वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, सैलरी, सैलरी टोटल उन्होंने डिस्क्लोज किया, काफी अच्छे तरीके से बताया। मैं आपसे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा कि अभी तक अगर मैं बात कर लूँ तो आपने इंडिया मार्ट से कितना पैसा अर्न किया? अगर आप पैसे में नहीं बताना चाहती हैं तो कुछ प्रोडक्ट में भी बता सकते हैं कि आप इतना पैसा मैंने अभी तक इंडिया मार्ट से अर्न कर चुका हूँ 2024 की मैं अगर बात करूँ तो, जनवरी से लेकर। जी बिल्कुल, एक्चुअली सर मैंने सितंबर 2023 में स्टार्ट किया था, तो अप टू 10 के मैंने अर्न कर लिया है। अप टू 10 के अर्न कर लिया है आपने? राइट राइट राइट। तो ये एक महीने में आपने अर्न किया या फिर मंथली बाय मंथली आपने अर्न किया है? मंथली मंथली अर्न किया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे YouTube चैनल को देने के लिए, और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार एज अ पार्ट टाइम जॉब जो है वर्क फ्रॉम होम में आप कर सकती हैं, मोस्टली जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, और पूरे पैन इंडिया के लिए हायरिंग चल रही है, वीकली पेमेंट आउट है, फ्रीलांसिंग का जॉब रहेगा। तो जो अप्लाई लिंक है प्लस रेफरेंस आईडी जो है वो भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आपके लिंक से जो ऑडियंस आएंगे वो जुड़ सकते हैं, और कुछ भी दिक्कत होगा हम जो गीता जी है पूरे एग्री हैं फुल सपोर्ट करने के लिए। आप एग्री हैं ना हमारे ऑडियंस को सपोर्ट करने के लिए मैम? या सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।